बड़वानी के ठीकरी में बरुफाटक ग्राम में चोरों ने आतंक मचा दिया। बीती रात ग्राम के भिन्न भिन्न स्थानों पर चोरों ने हाथ साफ कर लाखों के माल पर हाथ साफ कर दिया। वहीं अब इस घटना से पुलिस की कार्यप्रणालियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ठीकरी ग्राम के योगेश वर्मा, राजकुमार अग्रवाल व अन्य के यहाँ चोरों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। अज्ञात चोर राजकुमार अग्रवाल के घर का मुख्य द्वार तोड़कर दुकान से गल्ला निकाल कर ले गए। वहीं योगेश वर्मा के घर को पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त कर सोने के जेवर, मोबाइल, घड़ी व अन्य सामग्री ले उड़े। इसी तरह टीवी व पेटी समेत अन्य सामान खेतों में पड़ा मिला। ग्रामीणों ने इस घटना को देखकर पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। हम लोग क्या पूछा, मैं यहाँ गर्मी हूँ तो हम लोग उसी में थे। हमारे पास किसी का फ़ोन आया सुबह सुबह, बोले कि आपका सामान पीछे पड़ा, क्योंकि उसमें डायरिया वगैरह थी, उसमें हमारा नंबर था, मोबाइल नंबर और नाम वगैरह, तो उससे किसी ने फ़ोन लगाया हमको। हम लोग आगे आके देखा, हमने तो आगे से पीछे तक तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। और उसके बाद में हमारी नकदी और सोने चांदी के जेवर वगैरह ये सब गायब है, उसमें से मोबाइल वगैरह गायब है। हमने थाने में फ़ोन भी लगा दिया आएगा। कोई ताले नहीं थे, सिर्फ एक ताला था बाहर, वो तोड़ दिया। और बाकी हमारी खिड़कियाँ क्या खुलनी थी, तो हो सके खिड़कियों में से उनने देख के फिर आगे से ताला तोड़ के गए हो। अभी 3 दिन से हम लोग पीछे, हमारे यहाँ गमी है ना, तो हम आते जाते रहते दिन में, बस ये कि रात में पीछे सोते हम लोग। मान के चलो यही होगा, 1-1.5 के ऊपर गया होगा सारा टोटल मिला के। रात को हम लोगों ने 10:30-11 बजे तो हम लोग आगे ऐसे, मतलब कि ये क्या बोलते, फ्रिज में से दूध वगैरह निकाल के पीछे लेके गई हूँ 10:30-11 बजे। उसके बाद में फिर हम ताला लगा के चले गए। और सवेरे मेरे पास में फ़ोन आया था 6:15 बजे करीब। मामले में SDOP कुंदन सिंह मंडलोई ने कहा कि आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जल्द ही सारे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए, आज सुबह मामला संज्ञान में आया है कि कल रात को बरुफाटक कस्बे में कुछ घरों के ताले टूटे हैं। तत्काल पुलिस बल वहां रवाना किया गया और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसकी FIR दर्ज की गई है और जल्दी पुलिस इन चोरों को पकड़ लेगी। सर, इस तरह के मामले को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस गश्त पर भी बात आती है कि इतनी ज़्यादा संख्या में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और काफ़ी लोगों के घर से काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान भी हुआ, और कोई CCTV भी सामने आया सर? जी, CCTV फुटेज की भी हम जानकारी ले रहे हैं, जो हमने अभी समय विवेचना में ली है। इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का अपराधियों को पता ना चले, इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों को देख के सचेत ना हो, भागे ना। हम जल्द से जल्द उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रॉपर गश्त हमारे यहाँ से रोज़ाना लगाई जाती है। सारे पॉइंट्स, संवेदनशील पॉइंटों पर चेकिंग की जाती है। देखिए, जैसे जो कस्बा बरुफाटक की बात करते हैं, बरुफाटक कस्बे में मुख्यतः 2 सड़कें हैं। एक हाईवे तरफ है जिधर गश्त करना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता, पर चूंकि वहाँ पर हाईवे है, लगातार गाड़ियाँ चलती रहती है, कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, इसलिए वहाँ पर गश्त की जाती है। जो एक मुख्य गली है बरुफाटक की, उस पर गश्त की जाती है और समय समय पर गश्त के साथ में गश्त चेकिंग पॉइंट और वरिष्ठ अधिकारी भी उसे आकर चेक करते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि क्या पुलिस के हाथ चोरों तक पहुँच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ठीकरी।